पहले रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर आतंकी हमला, उसके बाद राजौरी, कुलगाम और अब कठुआ। आतंकवादियों ने एक और कारना हमले को अंजाम दिया है। आतंकी वारदात में एक चश्मदीद भी सामने आया है, उन्होंने आंखों देखी बताई है। कठुआ में आतंकियों की कायराना करतूत ने एक बार फिर देश को गुस्से में भर दिया है। आतंकियों ने हमारे जवानों पर घात लगाकर हमला किया। कठुआ हमले के पीछे की साजिश से पर्दाफाश हुआ है, जिसमें बुज़दिल आतंकियों ने छिपकर वारदात को अंजाम दिया। हमले के वक्त पूरा इलाका गोलियों से गूंज रहा था। घटना के एक चश्मदीद भी सामने आए हैं, उन्होंने इस मंजर को बयां किया है। मैं सर इधर मैं मेरे अलावा 5 बंदे और थे। अच्छा। दुकान पर सौदा लेने के लिए आए थे, लेकिन पहले गाड़ी गई लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद दो गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको ने क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ, छोटा फिर बड़ा हो गया। तो हमने जो अंदर आदमी चार पांच बैठे, हमने गाड़ी का आर्मी वाले को गाड़ी का टायर पंचर हो गया, क्योंकि गाड़ी तो हमने देखी थी गाड़ी जा रही थी। उसके बाद एट ए टाइम फायरिंग शुरू होगी। सोमवार के दिन घने जंगलों के बीच से सेना का काफिला गुजर रहा था। बड़ी साजिश को अंजाम देने आए दहशतगर्द ऊंची पहाड़ियों पर छिपे थे। जैसे ही सेना की गाड़ियां उनके नजदीक पहुंची, आतंकियों ने अपनी बंदूक सेना के काफिले की तरफ मोड़ दी, ग्रेनेड भी फेंके। जब तक जवान कुछ समझ पाते, आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। इसके बाद आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए। उसके बाद से ही दहशतगर्दों की तलाश में भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद दी जा रही है। इस ऑपरेशन में स्पेशल फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, अर्धसैनिक बल शामिल हैं। समूचे इलाके में गहन तलाशी अभियान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया है, और इस बात को यकीनी बनाना है कि किस तरह का कोलेटरल डैमेज ना हो, इसीलिए बहुत ही एहतियातन जिस इस ऑपरेशन को जो है आगे ले जाया जाएगा। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं सेना के, वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं, और SOG और सेना के जवान और साथ में स्नेफर डॉग्स हैं, वो उनकी भी मदद ली जाएगी, ताकि जो आतंकवादी इन्हीं पहाड़ों पे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए सेना जो है अपनी कोशिशें उन्होंने तेज कर दी हैं। जिस तरह का यह अटैक हुआ है, हर कोई गुस्से में है, सदमे में है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद जो है कठुआ में इस तरह का अटैक हुआ है, और ये बहुत चिंता की बात इसलिए बन जाती है कि यहाँ जो फॉरेन, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट यहाँ पे मौजूद है, ये कभी भी किसी भी वक्त जो है हमला कर सकते हैं, सेना पे कर सकते हैं, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है उस पर भी निशाना साध सकते हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने चैलेंज यही है कि चाहे मुश्किलें लाख हों, चाहे जितने भी चैलेंजेस हों, जल्द से जल्द जो है इस ऑपरेशन को अपने अंजाम तक पहुंचाना है। कठुआ में आतंकियों की गुस्ताखी उन पर भारी पड़ने वाली है, उन्होंने अपनी मौत बुला ली है। हिंदुस्तान के जवान उन्हें जल्द ही जहन्नुम पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तराखंड के पांचों शहीदों के पार्थिव शरीर कठुआ से देवभूमि लाए गए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने जवानों को श्रद्धांजलि दी, शहीदों के परिजनों को उन्होंने सांत्वना भी दी। कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए, और ये 5ों जवान उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा उनके पार्थिव शरीर आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। अब यहां से आगे ये उनके पैतृक गांव में पहुंचाए जाएंगे, लेकिन जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जब सेना उनके पार्थिव शरीर लेकर पहुंची, तो यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों के परिवार के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन परिवार वालों को सांत्वना दी जिन्होंने अपने बेटों को इस कायराना आतंकी हमले में खोया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर 5ों शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर पहुंचे। देखिए, बहुत दुखद घटना है, और जिस प्रकार से ये कायराना हमला हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 5 भारत माता के वीर सपूत, उत्तराखंड देवभूमि के लाल, उन्होंने वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उनका बलिदान बेकार नहीं होगा, उनका बलिदान काम आएगा, और देश की सीमाओं पर जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, जिहादी हैं, उनका खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में
हम उनके परिवारजनों के साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है, प्रदेश पूरा साथ है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके पारिवारिक लोगों को जो कष्ट हुआ है, जो दुख हुआ है, असमय इस प्रकार की कठिन घड़ी उनके सामने आई है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, अपने परिवार से? हम परिवार के साथ हैं और उनके मान सम्मान के लिए, उन हमारे वीर बांकरों के, शहीदों के लिए हमेशा वो हमारे स्मरण में रहेंगे और उसके लिए हमारी सरकार लगातार पहले से भी हम प्राथमिकता हमारी रही है कि हमारे वीर जवानों का, शहीदों का सम्मान करना हमारी संस्कृति भी है, हमारे संस्कार भी हैं, वो हम करेंगे। ऐसी दुख की घड़ी में हर तरीके से हम भी उनके परिवार के हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है।